आटा है या मैदा? मैदा मैदा मिट्टी वाला आके जगह कई बार दे रख रहा है यार, बोल रहा है कि नहीं तू लोग का जगह नहीं, कभी बेचे भी नहीं है ना तो। हाय गाइस, मैं हूं रतन लाल और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इंटेंस लगा हुआ है और देवठान मेला यहाँ पर लगने वाला है, कल लगेगा। तो हम लोग आज ही आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम किया गया है। जैसे कि अभी भी यहाँ देख सकते हैं किस तरह का रौनक है और लोग अभी दुकान लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग सीधे मेला लेके चलते हैं, किस तरह का इंतज़ाम किया गया है आप लोग को डिटेल से दिखाते हैं। तो गाइस, हम लोग मेला पहुंच चुके हैं और ये जतरटांड का ये जगह है और आप लोग देख सकते हैं किस तरह मेला का इंतज़ाम किया गया है। सभी दुकानें अभी लगने वाली हैं और लगाना शुरू कर दिए हैं ये लोग, देख सकते हैं कितना बेहतरीन ढंग से। आप लोगों को होटल दिखाई देंगे और इधर झूला लगा हुआ है, तरह तरह के झूले हैं, आप लोग को वहाँ सामने से भी दिखाएँगे। तो देखिए इस प्रकार के यहाँ है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा नहीं लगता है, यहाँ सिर्फ मेला का आयोजन किया जाता है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से कि यहाँ पर मेला क्यों लगाया जाता है और कब से लग रहा है। बने रहिए, चलिए आप लोगों को दुकानदारों से बात करवाते हैं, भेंट करवाते हैं। तो देखिए एक दुकान यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर ताज़ा ताज़ा मिठाई बन रहा है, कढ़ाई एक बार दिखाइए। और देखिए लोग उधर बना रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पर लीजिएगा, यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर ताज़ी ताज़ी मिठाई मिलेंगे। आज तो बन रहा है, आज का बना हुआ कल भी मिलेगा और ख़त्म हो जाएगा तो कल भी बनेगा। अच्छा, कल दिन भर बनेगा। तो इतना आप लोग मेहनत कर, तो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कैसे किलो बेचने वाले हैं? 100 रुपये किलो। अच्छा, 100 रुपये किलो, 100 रुपये केजी। हाँ। और आप लोग कहाँ से दुकान लगाए, कहाँ से आए? ठाकुर गाँव। अलग अलग बाजार में जाते होंगे, मेला में जाते होंगे? सब मेला करते हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने बेहतरीन ढंग से यहाँ मिठाई बेचने का यहाँ पर जुगाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर कहीं से रेडीमेड नहीं है, यहाँ पर लोग सामने ही बना रहे हैं और यहाँ पर ताज़े ताज़े आप लोग को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक भैया यहाँ पर ये आटे मिला रहे हैं, क्या है, आटा है या मैदा है? मैदा मैदा। अच्छा, मैदा, हमको लगा आटा है। तो कितना मेहनत करना पड़ता है? ज़्यादा नहीं। कितना देर इसको लगेगा अभी जो गूंथ रहे हैं? बस दो मिनट में हो जाएगा। वाह, ये कौन सी मिठाई है? कौन ये जो बना रहे हैं? बालूशाही। अच्छा, देखिए दोस्तों ये बालूशाही मिठाई बना रहे हैं और ये मैदा का है। तो चलिए गाइस, आप लोग को आगे लेकर चलते हैं अगली दुकान में, किस तरह से यहाँ लगने वाला है और किस तरह से इंतज़ाम किया जा रहा है। बस एक बार पर देखिए, यहाँ पर ये चौमिन दुकान है, यहाँ पर भैया अब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कल मेला लगेगा लेकिन आज से ही तैयारी कर रहे हैं, आज कुछ बिकने का चांस हो सकता है। क्या भैया लगता है आज बिकेगा? बिल्कुल। अच्छा, अभी शाम में पूरा रात भर अभी रौनक रहेगा यहाँ पर। अच्छा, मतलब अभी शाम से रौनक शुरू हो जाता है? कभी हम लोग तो रात में नहीं, ऑर्केस्ट्रा तो यहाँ नहीं रहता है? नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं रहता, पहले सर्कस रहता था, अभी सब बंद हो गया है। सर्कस भी बंद हो गया? हाँ, सर्कस बंद हो गया, लॉकडाउन के बाद से अभी नहीं आ रहा है। अच्छा। लेकिन अभी धीरे धीरे उन लोगों को भी जानकारी मिलेगा, क्या अब शुरू हुआ है लॉकडाउन के बाद, पिछला साल लगा था और अभी लगा है। तो आप लोग, आपको कोई जानकारी मतलब क्यों लगने नहीं दे रहे हैं? नहीं, लगने दे रहा है, उन लोगों को जानकारी नहीं होगा शायद, हो सके बंद है कि उन लोग, हो सके कोई और मेला में होंगे, या हो सकता है कि कहीं कमाई नहीं हुआ होगा इसलिए। ना, ऐसा नहीं है, सर्कस आता है तो दो दिन एक सप्ताह तक यहाँ रहता है। और हम लोग ठाकुर गांव से हैं, हम लोग खुद फैमिली लेकर आते थे रात में देखने के लिए, घूमने के लिए, चलो भाई कि सर्कस लगा हुआ है गाँव में। मेला दिन तो देख नहीं पाते थे, शॉर्ट में निकाल देता था, लेकिन ऐसे दिन में अच्छा से दिखाता था। और आप यहाँ क्या क्या सामान रखे हैं? अंडा दिखाई दे, शुरुआत कर रहे हैं अभी, अंडा, चाउमीन,
समोसा कचरी प्याजी सारा। चिल्ली उल्ली रखने वाले? चिल्ली नहीं रखेंगे। चिल्ली में कठिनाई ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, लेकिन समय नहीं मिल पाता उसके लिए, फिर फ्राई करने में। हाँ तो चलिए आपसे लगाने वाले हैं। हाँ हमें लोग, हाँ हमें लोग लगाने वाले हैं सर। तो आप लोग क्या क्या रखेंगे इसमें? चौमिन रहेगा, बर्गर रहेगा, पिज्जा रहेगा, सब कुछ फास्ट फूड का सब कुछ रहेगा। अच्छा, और कैसे प्लेट देने वाले हैं? कैसे? 30 रुपये प्लेट रहेगा, सब कुछ 30 रुपये। फुल 30? हाँ, हाफ 15। हाँ, हाफ 15। अच्छा अच्छा। और चिली वगैरह भी रखेंगे? हाँ, सब कुछ रहेगा। अच्छा, वाह। तो दोस्तों देख लीजिए, मगर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने के लिए आदमी सब उतावला रहता है। हाँ सही बात, मेला में तो खैर छोटा मोटा झगड़ा। अभी से जगह ले रहे हैं तो जगह देने कमेटी वाला आके जगह कई बार दे रख रहा है और बोल रहा है कि नहीं तू लोग का जगह नहीं। तो यहाँ मेला के जो मैनेजमेंट, जो यहाँ मैनेज करने वाले लोग हैं, उन लोग से भी कहना चाहेंगे कि जितने भी यहाँ दुकानदार लग रहे हैं, इन्हीं लोगों के चलते मेला का शोभा बढ़ता है, रौनक बढ़ता है। तो आप लोग हर दुकानदार को सही जगह दीजिए और उन लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग मेला लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन दुकानदारों का भी आप लोग ख्याल कीजिए। अभी तक तो कोई परेशानी नहीं है दुकान मिल गई? नहीं नहीं, अभी तक तो अब कोई परेशानी नहीं है, पहले परेशानी था। अभी ठीक है, अभी सब ठीक है। तो अभी तक हम यहाँ पे हर मेला में, मेला का नाम जंपिंग है। जंपिंग, ये रबड़ का ये लगा ब्लॉक जी, इसमें स्प्रिंग का सब रोल है। अच्छा, और कितना लग रहा है इसका टिकट? इसका टिकट अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, 10 रुपये 20 रुपये चलेगा जो भी होता है। अच्छा, ये सब मिल के डिसीजन ले रहे हैं अभी मेला लगने से पहले, ये ट्रायल चल रहा है। एक ट्रायल चल रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि फ्री घूमना चाहते हैं भैया, तो घुमा देता हूँ। तो सभी पेरेंट्स के कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग बच्चा लेके आते हैं तो बच्चों की इस तरह में मतलब बहुत ही अच्छी है, सेफ्टी है इसमें, बच्चों को कोई गिरने का और इस तरह का कोई यहाँ पर डर नहीं रहता है। आप लोग बच्चों को झुलाइए। हम लोग पहले झुलाने से पहले सेफ्टी को देखते, उसके बाद झुला जाता है। ऐसे भी बड़ा झूला भी हमारा ही है। अच्छा, ड्रैगन हुआ, ब्रेक डांस हुआ, टोरा टोरा हुआ, झूला ये वाला जी। तो इसका किराया कितना रहने वाला है? वो सबका 50 रुपये टिकट। 50 रुपये फिक्स? फिक्स रहे, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, टिकट के हिसाब होता है, जो काउंटर में बैठे उसके टिकट के हिसाब। तो गाइस, आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग को यहाँ ड्रैगन में घूमने के लिए, और रेमढिलो आप ही का है जी? अच्छा, रेमढिलो 50 रुपया जी? अच्छा, 50 रुपये आप लोग को लगने वाला है। गन्ना यहाँ से उतारा जा रहा है, कहाँ से? चाचा एक मिनट समय दें, आप लोग कहाँ से आए? हम लोग कटमकुली। कटमकुली से? अरे लोकल से ही हैं। और ये माल कहाँ से लाए हैं? ये तो हम लोग शहर से लाए। शहर से लाए हैं? शहर नगरी से? शहर नगरी से? नगरी नगरी शहर नहीं, जो नाम है वही बोलेंगे। तो शहर नगरी। हेलो, तो आप लोग मिल के लाए होंगे? हाँ। अच्छा, तीन चार चार आदमी हैं। इतना मतलब इतना जो लाए हैं गन्ना, कितना इसमें लगा लगभग पैसा? कितना का बजट लोग आ रहे हैं तो हिसाब लगभग कितना बजट लग गया कुछ अगर मोटा मोटी बताने सकेगा तो? लगभग 8000 लग गया है। अरे वाह, मेला में तो कहीं पर गन्ना देखने को नहीं मिली, सिर्फ यही देख रहे हैं अभी फिलहाल। हो सकता है शाम तक और लोग भी ले आएंगे, लेकिन ये जो चाचा लोग दिखाई दे रहे हैं, भैया लोग दिखाई दे रहे हैं, इन लोग पास आप अगर खरीदना चाहते हैं तो स्कूल के बैक साइड यानी पीछे साइड आप लोग को आना होगा। अगर आप लोग को बताए यहाँ का लोकेशन तो इस साइड देखिए, इधर रास्ता है, पिच रोड उधर है, उसके जस्ट पश्चिम तरफ स्कूल के पीछे इन लोग का दुकान मिल जाएगा। यहीं पर ये लोग दुकान लगाने वाले हैं, गन्ना यहीं पर आप लोग को मिल जाएगी। चौमिन दुकान है, और पकौड़ी और चना है, छोला भटूरा। अच्छा, इतना कुछ? चौमिन, पकौड़ी, छोला भटूरा, चना। तो दोस्तों आप लोग को ये इतना सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आगे गन्ना की दुकान है, उसके सामने ही ये दुकान इन लोग का है। तो कहाँ से आरू बना लेंगे? तारूफ से। तारूफ से? कौन तारूफ? नया दुकान कर रहे हैं? नया दुकान है, हाल फिलहाल में खोल रहे हैं, इसीलिए मेला में आए हैं और कभी बेचे भी नहीं है ना तो। अच्छा, दर्शक लोग कुछ अगर कहना चाहोगे तो? खाने
मिलेगा, पकौड़ी मिलेगा और भी बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। दुकान अभी लगने वाला है, कल मेला लगेगा तो मेला में आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइएगा घूमते फिरते। गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।